18 के खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। हर साल वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है, जिसे राजस्थान में अखा तीज भी कहते हैं। इस साल ये पर्व 10 मई शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। माना जाता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय शब्द का मतलब है जो अमर हो, यानी जिसका अंत ना हो। इस दिन किए गए तप, जप, दान और ज्ञान श्रेष्ठ फल देते हैं। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करें, क्या महत्व है, राशि के हिसाब से कैसे करें पूजा और दान। तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, करिश्मा कौशिक जी। बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि महत्व क्या है अक्षय तृतीया का। देखिए, अक्षय तृतीया का महत्व अगर हम बात करें तो जैसे हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, ठीक उसी तरह से अक्षय तृतीया का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है माता लक्ष्मी की नारायण जी के साथ जो है पूजा आराधना की जाती है, और साथ ही साथ जिस प्रकार दीपावली पर कुबेर जी की पूजा आराधना की जाती है, उसी प्रकार अक्षय तृतीया पर भी कुबेर जी की पूजा आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। वहीं पर अक्षय का अर्थ होता है जो कभी भी क्षय ना हो, अक्षय, जो कभी भी क्षय ना हो। इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो आप कोई चीज खरीदारी करके लेके आए, चाहे आप ज्ञान बांटें, चाहे आप ज्ञान लें, चाहे आप धन की कोई भी ऐसी कार्य करें, धन आप लेकर के आए या धन से संबंधित कोई वस्तु लेकर के आए, सोना चांदी खरीदे या आप अन्न ही क्यों ना खरीदे, कोई भी चीज क्षय नहीं होती। तो इस दिन जो है आप हर एक कार्य आसानी से कर सकते हैं। वहीं पर ये दिन एक ऐसा होता है जिस दिन किसी भी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। आप चाहे कोई भी कार्य करना चाह रहे हो, चाहे विवाह करना चाह रहे हो, चाहे गृह प्रवेश करना चाह रहे हो, या कोई भी अन्य नया कार्य शुभ आरंभ करना चाह रहे हो, तो ये दिन ऐसा होता है जिसमें मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। आप चूंकि कह रहे हैं करिश्मा जी की मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है, शुभ मुहूर्त होता है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि विवाह नहीं कर सकते, इसके पीछे कुछ खास वजह है क्या? देखिए, एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे तिथि कब से लग रही है। तिथि जो है आरंभ होगी वो 10 तारीख सुबह 4:11 से आरंभ हो जाएगी, और जो समाप्त होगी ये तिथि समाप्त होगी रात्रि काल, यानी कि 11 तारीख लग चुकी होगी तो रात्रि काल में 2:17 पे ये तिथि समाप्त हो जाएगी। अब वहीं पर इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि हम विवाह नहीं कर सकते, तो अक्षय तृतीया पर कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम बात करें यहाँ पे विवाह की, क्योंकि यहाँ पे जो है गज केसरी योग बन रहा है, जो चंद्रमा है अपनी उच्च की राशि में है, सूर्य अपनी उच्च की राशि में, और वैसे भी इस दिन जो है दोनों ही अपनी उच्च की राशि में ही होते हैं। उच्च की राशि यानी सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में, मगर वहीं पर जो है सूर्य के साथ साथ शुक्र जो है इस समय पर मेष राशि में विराजमान है, इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस समय पे थोड़ी रुकावटें डाल रही हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सारे कार्य जो है कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार अक्षय तृतीया पड़ रही है, शुक्रवार के दिन पड़ रही है, योग बहुत अच्छे हैं, और ऐसा कहा जाता है माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया पड़ रही है, रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है। रोहिणी नक्षत्र जो होता है ये चौथे चरण का है इस बार, और इसके बाद जो है मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये समय जो है बहुत अच्छा रहेगा खरीदारी के लिए, नए कार्यों के लिए बहुत खास रहेगा। तो अगर माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं, चाहते हैं कि धन की वर्षा हो, तो अक्षय तृतीया पर पूजा पाठ जरूर करें। कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, किसी भी वक्त आप पूजा पाठ कर सकते हैं, सभी शुभ मुहूर्त हैं, लेकिन पूजा पाठ करें कैसे करिश्मा जी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पूजा पाठ के लिए सबसे जो अच्छा समय रहता है अक्षय तृतीया पे, वो सुबह का रहता है। तो सुबह के समय तो आप पूजा पाठ करें ही करें। अब करेंगे कैसे, आपको सुबह उठ करके, इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं, तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत भी कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह उठ करके आप स्नान करेंगे, घर की साफ सफाई बिल्कुल उसी प्रकार करें जिस प्रकार दीपावली पर करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस समय पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है घर में। तो आप सुबह उठ करके स्नान करें, घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, और इसके अलावा घर में गंगा जल जरूर छिड़क दें। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ही तरफ जो है हल्दी को आप गंगा जल में घोल करके या दूध में घोल करके आप स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं।
इसके अलावा रंगोली घर में जरूर बनाएं। वहीं पर आप सुबह जो है कैसे पूजा करेंगे, पूजा विधि जान लेते हैं। तो आप नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी दिशा में एक चौकी रखें और चौकी पे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। माता लक्ष्मी नारायण सहित जो है आप उनका प्रतिमा को स्थापित करें। इसके अलावा शिव परिवार को स्थापित जरूर करें। भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना के बिना सारी पूजा आराधना अधूरी मानी जाती है। तो गणेश जी की पूजा आराधना करें। इसके अलावा आप जो है नारायण जी को और माता लक्ष्मी जी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, उनको पीले वस्त्र चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को कमल के फूल जरूर अर्पित करें। अगर इस समय पे कमल का फूल उपलब्ध नहीं है किसी भी कारणवश, तो आप कमल गट्टे की माला या 7 कमल गट्टे जो है वो अर्पित कर सकते हैं। नारायण जी को तुलसी जरूर अर्पित करें। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, आप शिव परिवार भी स्थापित करेंगे तो शिव परिवार में आपको तुलसी नहीं स्थापित करनी है। वहां पर आप जो है आप शिव परिवार की पूजा आराधना कैसे करेंगे, भगवान शिव का आप जो है अभिषेक करेंगे, माता पार्वती को आप जो है लाल सिंदूर चढ़ाएंगे, गुलाब के पुष्प चढ़ाएंगे, गणेश जी को पान अर्पित करेंगे। तो इस तरह से आप जो है पूजा आराधना करें। इसके अलावा जो है आप इस दिन माता लक्ष्मी की खास तौर से पूजा आराधना करें और भगवान कुबेर जी को भी उनका आवाहन करें। अगर चित्र या प्रतिमा नहीं है, अगर चित्र या प्रतिमा में से कोई भी एक चीज है, तो उनको स्थापित करके आप जो है कुबेर जी की भी पूजा आराधना करें। और कुबेर जी को जो है आप धनिया इस दिन जरूर अर्पित करें, बहुत खास रहेगा। इसके अलावा कोई भी यंत्र अगर आप स्थापित करना चाह रहे हैं, चाहे वो श्री यंत्र हो, चाहे वो कुबेर यंत्र हो, चाहे वो नवग्रह यंत्र हो, या फिर अगर घर में किसी भी तरह की बाधा है, तो वास्तु यंत्र इस समय पे आप जो है स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन जो है आप एक छोटा सा कार्य जरूर करें। आपको करना क्या है, खीर जरूर बनाएं। आप खीर जो है नारायण जी को भी बहुत पसंद है, लक्ष्मी जी को भी बहुत पसंद है और भगवान शिव को भी अति प्रिय है, गणेश जी को भी अति प्रिय है। तो खीर का प्रसाद जो है जरूर भोग में अर्पित करें और कनक धारा स्रोत का पाठ करें। इस दिन जो है अगर आप सत्यनारायण की कथा का पाठ करते हैं, वो भी बहुत खास रहेगा। वहीं पर इस दिन जो है आप कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप जो है भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, उनके 40 का जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप जरूर करिएगा देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए। और सभी चाहते हैं कि घर में धन की वर्षा होती रहे, तो बड़े अच्छे से बताया इन्होंने कि क्या क्या करें, क्या ना करें, ये भी बता दीजिएगा करिश्मा जी, क्योंकि कई लोग गलतियां कर जाते हैं पूजा पाठ के दौरान। देखिए, इस दिन जो है आप सभी कार्य कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि कुछ कार्य करने वर्जित होते हैं। वैसे भी वर्जित होते हैं, जीवन में कभी भी हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए, मगर कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं या वाणी में कठोरता होती है, तो मैं उन लोगों के लिए खास तौर से कहना चाह रही हूँ, इस दिन जो है कठोरता से बिल्कुल भी बात ना करें, बहुत ही नम्रता से हर एक इंसान के साथ पेश आए, खास तौर से महिलाओं के साथ, क्योंकि ये माता लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा हम करते हैं और माता लक्ष्मी का स्वरूप एक महिला का ही स्वरूप है। तो इस दिन जो है महिलाओं से बहुत नम्रता से बात करें, कोशिश करें कि इस दिन जो है आप अगर मीठा जल जो शरबत है वो बांटते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस दिन मांसाहार भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए या मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रख के चलिए। और खास तौर से इस दिन माता पिता की जो इज्जत है वो जरूर करें, क्योंकि हम वैसे भी उनका आदर सम्मान जरूर करते हैं, मगर कुछ बच्चे होते हैं जो उल्टे सीधे जवाब दे देते हैं, तो उन चीजों से आपको इस दिन खास तौर से, और माँ बाप की रिस्पेक्ट तो वैसे भी हमेशा करनी चाहिए, औरतों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो अक्षय तृतीया पर पूजा पाठ कैसे करें ये भी हमने जान लिया, क्या ना करें, कौन सी गलतियों को ना करें जिससे कि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, ये भी जान लिया। खरीदारी का बड़ा महत्व होता है करिश्मा जी, कौन कौन से वस्तु खरीदे जाए जो शुभ होंगे? देखिए, खरीदारी का तो महत्व होता ही होता है, मगर एक चीज मैं अपने दर्शकों को बार बार कहूंगी कि इस दिन साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पुराणों के अनुसार जहां पर भी दरिद्रता होती है, गंदगी होती है, साफ सफाई नहीं होती, वहां पे माँ लक्ष्मी नहीं आती, वहां पे अलक्ष्मी का वास होता है, वहां पे लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो साफ सफाई इस दिन जरूर करें, ऐसा ना हो आप इधर उधर सामान लाने के उत्साह में घर को साफ करना भूल जाए, तो ये बिल्कुल चीज ना करें।
इसके अलावा खरीदारी में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, मगर आपको कुछ चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि कांच नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो राहु को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। नोकीली वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे चाकू हो गया, कांटा हो गया, छुरी हो गई, कोई भी चीज या कैंची हो गई, ये चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग की वस्तुएं इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, काले रंग एक तरह से नकारात्मकता को दर्शाता है। तो ये चीजें ना खरीदते हुए आप क्या खरीदेंगे? आपको जो है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सोना चांदी जरूर खरीदें। सोना खरीदे, अगर खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते तो चांदी की कोई भी छोटी सी चीज खरीदें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगी आपको करना क्या है, जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसकी पॉकेट अलाउ कर रही है वो ना करे। इस दिन चांदी के चरण खरीद लीजिए माता लक्ष्मी के, सबसे खास है वो। आप इस दिन चांदी के चरण खरीद लीजिए माता लक्ष्मी के और अपने मंदिर में उसको स्थापित कर दीजिए, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं होगी। इसके अलावा जो है, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश नहीं कर पा रहे, कमल गट्टे इस दिन खरीद के माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, मंदिर में रखिए। हल्दी खरीदिए, हल्दी की जो गांठ वाली हल्दी होती है वो इस दिन जरूर खरीदिए। अन्न जो है वो जरूर खरीदिए, चाहे चावल खरीदें, चाहे आप गेहूं खरीदें, किसी भी तरह के, या 7 प्रकार के अनाज खरीदें। अनाज इस दिन जरूर लें, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो है, अगर आप अनाज घर में लेकर के आते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप पे बना रहता है, तो कभी भी आपको पूरे जीवन जो है खाने पीने की कमी नहीं होती। पितृ दोष अगर किसी को है तो उससे भी छुटकारा मिल सकते हैं, कैसे मिलेगा छुटकारा, क्या करें? देखिए, एक तो ये दिन बहुत खास अपने आप में हर एक चीज को लेके सर्वश्रेष्ठ होता है। वहीं पर अगर हम पितरों की बात करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कोई भी कार्य करने से पहले हम अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, हम अपने ईष्ट का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, तो पितरों के लिए इस दिन जो है आप यज्ञ हवन जरूर करवा सकते हैं। इसके अलावा पीपल में इस दिन जल जरूर चढ़ाएं और पितरों के नाम से आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, 3 साथ या 11 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। वहीं पर इस दिन आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक छोटा सा कार्य करें, बूरा हो गया या फिर आप गुड़ हो गया, गुड़ या बूरा आप जो है चींटियों को उस दिन जरूर डालें, पीपल के वृक्ष के नीचे डालिएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस तरह से चींटियों को गुड़ डालते हैं या बूरा डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पितर उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा आप मेवे भी पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। पीपल के वृक्ष की 7 या 11 परिक्रमा जरूर करें, बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और ग्रहों के माया संयोग से चूंकि ये पर्व मन रहा है तो ऐसे में राशियों पर भी असर पड़ेगा इसका, कौन कौन सी राशियां जिनके ऊपर शुभ असर पड़ने वाला है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो राशियां जिन पे बहुत खास असर रहेगा वो सबसे पहली राशि मेष, वृषभ और इसके अलावा कर्क, वहीं पर सिंह, कन्या और धनु, कुंभ रहेंगी। तो इन पे जो है इस त्योहार का बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि सूर्य चंद्रमा अपनी ही उच्च राशि में है, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था सूर्य के जो है वो शुक्र के साथ मेष राशि में है, तो कहीं ना कहीं इस समय पर जो है आप लोगों को थोड़ा सा क्रोधित आप लोग हो सकते हैं जरूर, या अपने, अगर आप विवाहित हैं तो अपनी जीवन संगिनी के साथ आप जो है क्रोधित होकर के वार्तालाप कर सकते हैं, तो उस चीज से आप थोड़ा सा बचिएगा। और इसके अलावा जो है दान का बहुत ज्यादा महत्व है, तो अपनी राशि अनुसार आप दान जरूर करिएगा। तो दान जरूर करिएगा, दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि राशि के अनुसार भी दान करें जी, तो कौन सी राशि क्या दान करे कि सबसे शुभ रहे उनके लिए? देखिए, राशियों की अगर बात करें तो मेष राशि के लिए सबसे अच्छा जो रहेगा वो तांबे का दान करना अच्छा रहेगा। और तांबा जो है आप बहते हुए जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं, या तांबे का लोटा या तांबे का पात्र अन्य कोई भी लेकर के आप किसी भी धर्म स्थान पे दान कर दें, बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा वृषभ राशि की अगर बात करें, चांदी जो है आप दान कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से बाधाएं आती हैं कार्य में, कोई भी कार्य करने में, तो चांदी के नाग नागिन लेकर के आप शिवालय में दान कर दीजिए इस दिन, उससे भी आपको जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उससे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए किसी भी धार्मिक स्थान पर और खास तौर से मंदिर में जाकर के आप जो है तुलसी, 11 तुलसी के पौधे आप दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर कर्क राशि की बात करें तो दूध का दान करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें सिंह राशि की, सिंह राशि के लिए लाल फल या गेहूं का दान करना अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें कन्या की, तो कन्या के लिए पान जो है वो दान जरूर करें, गुलकंद वाला मीठा पान किसी को भी, महिला को खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा।
इसके अलावा जो है तुला राशि की बात करें तो मोर पंख जो है आप दान कर सकते हैं धार्मिक स्थल पे। वहीं पर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो आप लोगों के लिए भी तांबा दान करना अच्छा रहेगा। इस दिन बहते हुए जल में तांबे के सिक्के जो है जरूर प्रवाहित करें। वहीं पर अगर हम बात करें धनु राशि के जातकों की तो गेहूं जो है इस दिन आप खरीद कर भी लेके आए और दान के लिए भी आप रख सकते हैं। इस दिन गेहूं आप दान करेंगे धर्म स्थान पे आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए नारियल दान करना बेहद खास रहेगा। अगर हम बात करें कुंभ राशि के जातकों की तो कुंभ राशि वालों के लिए गुड़ दान करना अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें अंतिम राशि मीन राशि के जातकों की तो चना या गेहूं आपके लिए दान करना अच्छा रहेगा या पीले फल भी आप दान कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अक्षय तृतीया बहुत शुभ होता है, इसके पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं और कथाएं भी हैं, अगर बता सके दर्शकों को। देखिए ऐसा कहा जाता है अक्षय तृतीया वो दिन होता है जिसमें हम कोई भी काम करते हैं तो वो खत्म नहीं होता। दूसरी चीज अक्षय तृतीया पे ऐसा कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा विक्रम संवत बदलता है जब हम चैत्र मास का पहला नवरात्र आता है, ठीक उसी तरह से ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग बदला तो जिस दिन कलयुग बदला, जिस दिन सतयुग बदला, यानी जिस दिन कोई भी युग बदला, चाहे वो द्वापर था, चाहे वो सतयुग था, चाहे वो त्रेता था, जिस दिन भी युग बदले उस दिन अक्षय तृतीया से ही बदले। तो ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर युग बदल जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें अक्षय तृतीया पे तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अक्षय वरदान पाने के लिए युधिष्ठिर और अर्जुन को ये ज्ञान दिया था कि अक्षय तृतीया पर अगर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो उनको अक्षय जो है अक्षय विजय मिलेगी और किसी भी तरह से वो महाभारत का युद्ध नहीं हारेंगे। वहीं पर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान परशुराम ने भी जन्म लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो माँ गंगा है वो स्वयं जो है धरती पर आई थी भगवान विष्णु जी के चरणों से निकल करके। तो इस दिन ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि आप अगर घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर में पवित्रता तो आती ही आती है, साथ ही साथ माँ गंगा का आशीर्वाद भी बना रहता है। और देखिए भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कर नई बातें भी सामने आ रही है। अब जैसा कि करिश्मा जी ने कहा कि पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी करें। मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार भी इसी दिन लिया था। भगवान परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया पर हुआ था। इस शुभ तिथि से ही महाभारत का काव्य लिखना भी शुरू हुआ। अक्षय तृतीया से ही बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। और कहते हैं कि इसी दिन विष्णु जी के चरणों से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई, जैसा करिश्मा जी भी बता रही हैं। तो गंगा जल से घर पर छिड़काव जरूर करें। और अगर कुछ खास बातें आप बताना चाहें जिससे कि धन की वर्षा हो। देखिए इस दिन एक आप धन की पोटली जरूर बनाएं। इस दिन आपको करना क्या है, एक 1.25 मीटर का पीले रंग का वस्त्र लें, उसमें आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह हल्दी या फिर केसर से बनाएंगे, अनामिका उंगली से, और इसमें आप 7 कमलगट्टे और थोड़े से अक्षत के दाने यानी कि चावल के दाने, टूटे हुए ना हो इस चीज का ध्यान रख के चलिएगा। वहीं पर 7 हल्दी की गांठें और कुछ सिक्के, अगर आप नोट रख सके अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने भी आप रुपए रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। और साथ साथ गुलाब की कुछ पंखुड़ियां इसमें रख करके आप माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। और साथ साथ जो है मंत्र का जाप होगा, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम विष्णु प्रियाय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं या फिर कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। और इसको पूजा आराधना करने के बाद अपने धन के स्थान पे स्थापित कर दें। और ठीक 1 वर्ष बाद जब अगली अक्षय तृतीया आएगी तो उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करके दोबारा से ही ये पोटली को स्थापित करें। जिन लोगों की ये शिकायत है कि धन तो आ जाता है मगर रुकता नहीं है, इधर उधर खर्चे हो जाते हैं और धन का पता नहीं चलता कि कहाँ आया कहाँ गया, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ये उपाय रहेगा। और जिन लोगों को धन से संबंधित भी परेशानी है कि अगर धन नहीं आ रहा है तो आप लोगों के जीवन में भी धन को लेकर के बदलाव जरूर आएगा। इसके अलावा जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि दोनों ही तरफ अपने मुख्य द्वार पे स्वास्तिक का चिन्ह हल्दी से जरूर बनाएं। हल्दी में आप गंगा जल मिलाएंगे तो भी बहुत बेहतर रहेगा, दूध मिलाएंगे तो भी बहुत बेहतर रहेगा। हल्दी और दूध मिलाकर के अगर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो इससे आपका बृहस्पति और चंद्रमा भी मजबूत होगा। और ये बृहस्पति चंद्रमा के ही दोनों प्रतीक माने जाते हैं जो कि गज केसरी योग का भी निर्माण करते हैं। और इस बार
गज केसरी योग है भी जब तिथि आरंभ होगी। तो आप दूध और हल्दी को मिला करके स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। आपके घर में वास्तु दोष होगा तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। घर में कलह रहता है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जहाँ पे कलह रहता है वहां पे भी माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। तो घर में कलह अगर है तो जो उपाय करिश्मा जी ने बताए हैं उन्हें जरूर करिए। घर के कलह की बात तो हमने कर ली, ऑफिस में कुछ लोगों के कलह रहता है, परेशान रहते हैं या प्रमोशन को लेके अलग अलग उनकी दिक्कतें होती हैं, तो ऑफिस जाने वाले लोग जो हैं वो कैसे अपनी दिक्कतों को खत्म करें? देखिए, आप लोगों के लिए सबसे अधिक तो ये है कि आप इस दिन जो है हल्दी की गांठों की माला बना लें और उस पे जो है आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। अगर ये भी संभव नहीं है तो एक सिट्रीन क्रिस्टल आता है, येलो कलर का क्रिस्टल होता है, इसकी माला आप ले सकते हैं और इस पे भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो इस दिन जो है आप एक कछुआ जो है वो जरूर लेकर के आए और उसको आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में जरूर रखें। इससे भी आपका जो धन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ऑफिस में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप एक तांबे का कछुआ जरूर लेकर के आए और उसका मुख अपनी तरफ करके आप अपने टेबल पे जरूर रखें, तो जितने भी कल हैं वो भी समाप्त होंगे, आपकी इंक्रीमेंट भी होगी, अगर प्रमोशन नहीं हो रहा तो प्रमोशन भी मिल जाए। क्या राशि के अनुसार भी उपाय करना होता है करिश्मा जी? देखिए, राशि के अनुसार अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आपकी सबसे पहली राशि की बात करेंगे, मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए बहुत खास रहेगा अगर आप लोग इस दिन गुड़ लेकर के आए और गौ माता को गुड़ खिलाएं, यानी कि इसी दिन खरीदेंगे और इसी दिन माता को, गौ माता को खिला देंगे, तो ये आपके लिए करना बेहद खास रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहतर रहेगा इस दिन माता को चांदी के आभूषण अर्पित कर दें या फिर माता को चमकीली लाल चूड़ियां अर्पित कर दें। जी, माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। इसके अलावा हम बात करें मिथुन राशि के जातकों की, मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा आप तुलसी पत्र लें और इसकी माला बना लें। अगर संभव नहीं है तो साधारण सी तुलसी की माला भी मिल जाती है, वो आप लक्ष्मी नारायण जी को एक साथ पहनाएं तो बेहतर रहेगा। वहीं पर कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए केसर की खीर बना करके लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करना बेहद खास रहेगा। अगर हम बात करें सिंह राशि के जातकों की, तो सिंह राशि वालों के लिए पीले वस्त्र जो है वो लक्ष्मी नारायण जी को भेंट करना बेहद खास रहेगा। वहीं पर कन्या की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग 11 या 21 पान जो है माता लक्ष्मी नारायण जी को भेंट जरूर करें और उसके बाद वो प्रसाद के रूप में आप अपने घर में बांट दें। ऐसा करने से आपके घर में जो कलह है वो भी समाप्त होंगे और वाणी में भी मिठास आएगी, बुध भी आपका जो है मजबूत हो जाएगा। अगर बात करें तुला राशि के जातकों की, तो तुला राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा कोई भी आभूषण आप जो है, अगर डायमंड हो या चमकीला आभूषण हो या चांदी का आभूषण हो, माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें, नारायण जी को अर्पित करें और उसको खुद धारण कर ले। आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की और खास तौर से आभूषणों की कमी नहीं रहेगी। वहीं पर हम बात करें वृश्चिक राशि के जातकों की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद खास रहेगा आप लोग तांबे का पात्र खरीदें और इसको जो है आप अन्न से भर दें और इसको अपने घर के उत्तर पूर्वी दिशा में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। वहीं पर धनु राशि की बात करें, तो इस दिन बेसन से बनी हुई मिष्ठान जो है आप लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करें और वो घर परिवार में बांटें। अगर हम बात करें मकर राशि के जातकों की, मकर राशि वालों के लिए बेहद खास रहेगा आप 11 श्रीफल जो होते हैं वो, यानी कि नारियल जो होते हैं वो माता लक्ष्मी को अर्पित करें और श्रीफल कैसे अर्पित करेंगे, उस पर आप स्वास्तिक का चिन्ह कुमकुम से बना करके माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। अगर बात करें हम कुंभ राशि के जातकों की, तो आपके लिए अच्छा रहेगा सुपारी आप मोली से लपेट करके लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करें। अगर बात करें हम मीन राशि के जातकों की, तो मीन राशि के लिए खास रहेगा कि आप लोग एक तांबे का या फिर पीतल का लोटा लें, पीतल का लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसको चावलों से भर दें और इसमें कुछ सिक्के रख के जहां पर भी आप अपना आटा या अपने चावल रखते हैं वहां पर इसको स्थापित कर दीजिए। या अगर दिशा की बात करें तो उत्तर पूर्वी या उत्तर या पूर्वी दिशा में आप स्थापित कर सकते हैं। जीवन में कभी
कभी भी आपके घर में माता अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी, उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो अक्षय तृतीया यानी कि अक्षय तीज पर क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें पूजा पाठ, इन तमाम सवालों का जवाब करिश्मा जी ने बड़े अच्छे से दिया। उम्मीद है कि इन तमाम उपायों को अपनाकर आपके घर पे भी धन की वर्षा जरूर होगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।